नमस्कार। इस वक्त मौसम को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। कल कई जिलों में किसान भाई जमकर ओलावृष्टि हुई। सबसे ज्यादा खराबा तो बाड़मेर में देखने को मिलेगा। यहां बाड़मेर शनिवार दोपहर अचानक मौसम बदलने से कहर बरपा दिया। जमकर ओलावृष्टि होने से किसानों की फसल भी चौपट हो गई। बेमौसम बारिश ओलावृष्टि के साथ तेज आंधी तूफान जिले के कई इलाकों में शनिवार को दोपहर भारी तबाही मचाई। चोटन, धनाऊ, सेनावाड़ा और बाड़मेर के शिकार क्षेत्र के कई गांवों में जमकर ओलावृष्टि हुई और जमीन पर सफेद चादर की तरह सामने नजर आई। तेज आंधी के साथ बारिश ओलावृष्टि होने पर खड़ी फसलों पर ओलावृष्टि होने पर काफी ज्यादा ओलों की चादर बिछ गई और फसल जमी जोध हो गई। इससे किसानों को लाखों रुपए का नुकसान। मौसम में अचानक आए बदलाव के साथ काले बादल छाए रहे। तेज आंधी के साथ बारिश का दौर भी शुरू हुआ जो देर शाम तक जारी रहा। मौसम हुए इस बदलाव से बारिश से किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया। जीरे, इसबगुल की पक्की पकाई फसलों पर कई गांवों में पूरी तरह से तबाह यानी नष्ट हो गई। इससे किसानों को लाखों रुपए का नुकसान होने की संभावना है। बाड़मेर जिले में रबी फसलें जीरे की 1,80,000 हेक्टर, इसबगुल की 1,30,000 हेक्टर में बुआई हो रखी। ऐसे में ओलावृष्टि किसानों की फसल तबाह हो गई। हालांकि ओलावृष्टि सर्वाधिक धोरीमीना बाड़मेर क्षेत्र के कई गांवों में हुई। बाड़मेर जिले में शनिवार को अधिकतम तापमान 35.9 डिग्री तक दर्ज किया। बाड़मेर जिले के कई रबी की फसलों में काफी ज्यादा किसानों को नुकसान हुआ। स्थानीय प्रशासन ने बेमौसम बारिश और अतिवृष्टि से 70-80% तक नुकसान हुआ। साथ ही फसल खराब की रिपोर्ट के लिए सभी तहसीलदार को निर्देश दिए। किसानों ने बताया बेमौसम अचानक हुई बारिश ने किसानों के सपनों पर पानी फेर दिया। बारिश हुआ ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों का कहना, ओलावृष्टि जिले की फसल सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। सीजन का तीसरा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय था। इससे वायुमंडल की ऊपरी परतों पर डाइवर्जन बन गया जिससे जवाब बिंदु की ऊंचाई कम हो गई और तापमान कम होने से पानी ओलों के रूप में आए और इससे फसल भी काफी ज्यादा प्रभावित रही। साथ ही बाड़मेर में एक चाचा भतीजी खेत से जा रहे थे। बुजुर्ग आदमी तीनों की मौत हो गई और आकाशीय बिजली गिरने से तीनों की एक साथ मौत हो गई। राजस्थान से हर अपडेट के लिए सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।